नमस्कार। आजादी के 75 साल एक देश के रूप में, किसी देश के जीवन में 75 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन जिस महत्वपूर्ण बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि हम कहां थे और आज हम कहां हैं। 1947 में जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की, तब एक भारतीय व्यक्ति की औसत उम्र 28 साल थी। आज ये 70 साल से ज्यादा है। ये एक देश के लिए एक जबरदस्त उपलब्धि है, और देश को मजबूत बनाने का यही अर्थ है कि लोग लंबे समय तक जी रहे हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। So, Amrit is definitely beginning to flow. तो अमृत निश्चित रूप से बहने लगा है। समस्या बस यही है कि ये सभी तक नहीं पहुंच रहा, या देश के हर नागरिक तक नहीं पहुंच रहा। तो हमारा सारा प्रयास इसी ओर होना चाहिए कि हम ये पक्का करें कि ये जो समृद्धि और खुशहाली हमने सफल व्यवसायों, सफल शिक्षा सिस्टम और हमारे सफल वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से हासिल की है, हम ये सभी तक पहुंचा सकें। हमने करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ है और उन्हें रूपांतरित किया है, लेकिन अब भी देश में ऐसे बहुत से नागरिक हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। अभी हमारा यही प्रयास होना चाहिए, और अगर ऐसा होना है तो ये महत्वपूर्ण है कि न केवल सरकारें, निश्चित रूप से सरकारों की बुनियादी जिम्मेदारी ये है, लेकिन ये जिम्मेदारी हर नागरिक पर भी है कि वो ये पक्का करें कि वो खुशहाली, जिसका स्वाद भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा महसूस करने लगा है, वो हर नागरिक के साथ हो। इस दिशा में अनेक अनेक चीजें की जानी हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ये पक्का करना कि हमारे पास खाने के लिए भोजन हो। 50 के दशक के अकाल की स्थिति से आज हम एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहां हम 1.3 अरब लोगों की पूरी आबादी के लिए भोजन पैदा कर पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे पास पूरे देश का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन है, बल्कि हम उन देशों तक भी भोजन पहुंचा पा रहे हैं जो परेशानियों में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया में हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमने मिट्टी को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें एक ऐसे भव्य भारत का निर्माण करना है जो एक लंबे समय तक बरकरार रहे, जो न सिर्फ रहने के लिए एक अद्भुत देश हो, बल्कि बाकी की दुनिया के लिए एक सच्चा प्रकाश या प्रकाश स्तंभ भी हो। क्योंकि हमारे पास जरूरी क्षमताएं हैं, हमारे पास ज्ञान है, और सबसे बढ़कर हमारे पास एक शानदार सांस्कृतिक बुनियाद है जो किसी भी दूसरे देश के पास नहीं है। तो आज हम आजादी के 75वें साल में हैं। आइए इसे संभव बनाने की तैयारी करें, और यही वो समय है जब इस देश के नागरिकों को, इतनी रंग बिरंगी आबादी को, हम सभी को एक साथ मिलकर भव्य भारत के सपने को सच्चाई में बदलना होगा। Let's make it happen. आइए इसे संभव बनाएं।